भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में दिए 107 रनों का टारगेट। सरफराज खान ने खेली 150 रनों की पारी। ऋषभ पंत शतक से एक रन पहले हुए आउट। तो क्या है भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की पूरी खबर दोस्तों जानने के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले के 14 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को ऑल आउट कर दिया, और दूसरी पारी में भारतीय टीम 99.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 462 रन बनाने में कामयाब रही, जिसके कारण न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का टारगेट मिला है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 402 रन बनाई थी और 356 रन के लीड हासिल की थी, जिसके जवाब में भारत ने 462 रन बना दिए। यानी कि इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड की बढ़त से 107 रन ज़्यादा बना दिए, जो कि फिलहाल अब न्यूजीलैंड का टारगेट मिला है। भारत के लिए सरफराज खान ने सबसे ज़्यादा रन बनाई। सरफराज खान ने 150 रनों की पारी खेली। 195 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 18 चौके और 3 दमदार छक्के लगाई। उनके अलावा ऋषभ पंत शतक से एक रन पहले आउट हो गई। उन्होंने 105 गेंदों का सामना करने के बाद 9 चौके और 5 छक्के जमाई, लेकिन वो शतक से एक रन पहले आउट हो गई और 99 रन पर क्लीन बोर्ड आउट हो गई। सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच 170 रनों की शानदार साझेदारी हुई थी। इस साझेदार को टीम सऊदी ने सरफराज खान को आउट करके तोड़ा और भारत को चौथा झटका दिया। उसके बाद तो लगातार भारत की विकेट गिरते चले गई। लोकेश राहुल 12 रन, रविंद्र जडेजा 5 रन और रविचंद्र अश्विन 15 रन बनाकर पहली लौट गई। सो दोस्तों कल यानी कि 20 अक्टूबर को पांचवें दिन का खेल शुरू होगा, जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। और न्यूजीलैंड को टीम को जीत के लिए अभी 107 रन चाहिए, जबकि अगर भारत को यह मुकाबला जीतने हैं तो न्यूजीलैंड के 10 विकेट लेने होंगे। तीसरे दिन के आखिरी बॉल पर विराट कोहली हुए आउट। सरफराज के साथ 136 रनों की साझेदारी टूटी। दूसरी पारी में भारत 231 रनों पर 3 विकेट, न्यूजीलैंड के स्कोर से अभी भी 125 रनों से पीछे। तो क्या है भारत न्यूजीलैंड तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रही वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में वापसी कर ली है। शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी न्यूजीलैंड से 125 रनों से पीछे है। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। विराट कोहली दिन के आखिरी बॉल पर आउट हो गई। उन्हें ग्लेन फिलिप्स ने विकेट कीपर टॉम ब्लेंडर के हाथों कैच आउट कराया। कोहली 70 रन जबकि रोहित शर्मा कप्तान 52 रन बनाकर आउट हुई और यशस्वी जायसवाल ने 35 रन बनाई। अजाज पटेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट लिया। कोहली और सरफराज खान के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई, जिसे ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली को आउट करके तोड़ा। न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 402 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम ने 356 रनों की बढ़त हासिल की। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट कर दिया था। पहले दिन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो सका था और न्यूजीलैंड ने 356 रनों की विशाल लीड हासिल की थी, जिसके जवाब में भारत ने 231 रन बना दिए हैं, लेकिन अभी भी भारत 125 रनों से पीछे है। कल चौथे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। आपके अनुसार दोस्तों ये मुकाबला भारतीय टीम जीत पाएगी नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंदों का सामना करने के बाद भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई। उनको टीम सऊदी ने बोर्ड आउट कर दिया। रोहित शर्मा आगे बढ़कर शॉट लगाना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और स्टंप में जा घुसी और इस प्रकार भारत का पहला विकेट गिरा। देन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे विराट कोहली, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल सके। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर आउट हो गई। उनको विलियम और रुकी ने गेलन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को दूसरा झटका दिया। इस प्रकार भारत ने मात्र 9 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए और उसके बाद तीसरा विकेट भी 10 रनों पर गिर गया। सरफराज खान जिनको शुभमन गिल की जगह आज मौका मिला, लेकिन वो 3 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पहले लौट गई। उनको मैट हेनरी ने डेविन कोनो के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत को मात्र 10 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल एक तरफ से मैदान पर जमे हुए थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाजी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। इस प्रकार जायसवाल भी कहाँ तक बल्लेबाजी कर पाते, वो भी 13 रन बनाकर आखिरकार दम तोड़ दिए और आउट होकर पवेलियन लौट गई और भारत का मात्र 31 रनों पर चौथा विकेट गिर गया। जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत भी कुछ खास खबर नहीं कर पाई। लोकेश राहुल बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गई। ऋषभ पंत 20 रन बनाई, जो कि भारत का सबसे ज्यादा स्कोर था।
20 से ज्यादा स्कोर किसी बल्लेबाज ने नहीं किया। लोकेश राहुल के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन भी बिना खाता खोले पहले लौट गई। देन कुलदीप यादव ने 2 रन, जसप्रीत बुमराह ने 1 रन और मोहम्मद सिराज ने 4 रनों का योगदान दिया। इस प्रकार भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31.2 ओवर में 46 रन बनाए और पूरी टीम आउट होकर पवेलियन लौट गई। न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की बात करें तो मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी की और 13 ओवरों में 15 रन देकर 5 विकेट झटकी, जबकि विलियम और रुकी ने 4 विकेट अपने नाम की। 1 विकेट टीम साउदी को मिला। उसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए बाधा रूपर न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड के लिए कप्तान टॉम लोथम और डेविन कोहली ने शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों ने 67 रनों की साझेदारी की। इस दौरान डेविन कोहली ने शानदार बल्लेबाजी कर तो ऑफसेंसी पूरी की, लेकिन टॉम लोथम 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया और 3 चौके लगाई, लेकिन कुलदीप यादव ने उनको पहले ओवर में आउट कर दिया और LPW आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया, लेकिन डेविन कोहली एक तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते रहे। उनके बाद उनका साथ दिया विल यंग ने। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 रनों की पारी खेली और डेविन कोहली ने 91 रन बनाई। हालांकि डेविन कोहली शतक से चूक गई और 91 रनों पर आउट हो गई। उनको रविचंद्र अश्विन ने बोर्ड आउट कर दिया, जबकि विल यंग 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनको रविंद्र जडेजा ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया, न्यूजीलैंड को 3रा झटका दिया। डेविन कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके और 3 शानदार छक्के लगाई। फिलहाल रचिन रविंद्र 34 गेंदों पर 22 रन और डेरिल मिचेल 39 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविंद्र 2 शानदार चौके लगा चुके हैं और फिलहाल न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड को फिलहाल 134 रनों की बढ़त मिल चुकी है, क्योंकि भारत ने मात्र 46 रन बनाए हैं और 46 रन के स्कोर से आगे न्यूजीलैंड ने 134 रन ज़्यादा बना दिए हैं। अब दोस्तों कल यानी कि 3रे दिन का खेल शुरू होगा, जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। आपके अनुसार दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम कितने रनों पर ऑल आउट हो जाएगी और फिर भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर पाएगी नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो और हाइलाइट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। भारत न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने बनाई 134 रनों की बढ़त। दूसरे दिन स्टम्प तक स्कोर 180 रनों पर 3 विकेट। भारत पहली पारी में मात्र 46 रनों पर हुआ था ऑल आउट। तो क्या भारत न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच के पूरे हाइलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रही वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बेंगलुरु टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। टीम ने पहले भारत को पहली पारी में 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम को 134 रनों की बढ़त मिल गई है। रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल नाबाद हैं। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का पहला दिन बारिश की वजह से रद्द हो गया था। गुरुवार को दूसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया। उनका यह फैसला भारत के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। भारतीय टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। यह भारत का घरेलू मैदान पर सबसे छोटा स्कोर है। टीम के 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाई। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। विलियम्स और रुके ने 4 विकेट लिए। टीम साउदी को 1 विकेट मिला। सो दोस्तों इस प्रकार न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 180 रन बना लिए हैं, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। डेविन कोहली ने न्यूजीलैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 91 रनों की पारी खेली। उन्होंने 105 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 3 शानदार छक्के लगाई। उनके अलावा कप्तान टॉम लोथम 15 रन और विल यंग 33 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रचिन रविंद्र 22 रन और डेरिल मिचेल 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सो दोस्तों आपके अनुसार मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और रोहित शर्मा का फैसला भारत के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने मात्र 31.2 ओवर में 46 रनों पर 10 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। यशस्वी जायसवाल ने 13 रन और ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा 20 रन बनाई। उनके अलावा ने कोई भी बल्लेबाज धाय का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका और पूरी टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। कप्तान रोहित शर्मा 2 रन, विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गई। उसके बाद सरफराज खान, लोकेश राहुल,
रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन भी खाता नहीं खोल सकी और पूरी टीम पहले सेशन के अंदर ही सिमट कर ढेर हो गई। देन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड के लिए शानदार बल्लेबाजी की डेवन कोनवे ने। उन्होंने मात्र 105 गेंदों का सामना करते हुए 91 रनों की शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि वो शतक से चूक गई और 9 रन पहले आउट हो गई। उनको रविचंद्र अश्विन ने बोर्ड आउट कर दिया, जबकि कप्तान टॉम लोथम 15 रन और विलियम 33 रन बनाकर आउट हुए। लोथम को कुलदीप यादव ने जबकि विलियम को रविंद्र जडेजा ने आउट किया। फिलहाल रचे रविंद्र 22 रन और डेरिल मिचेल 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और न्यूजीलैंड का स्कोर 180 रनों पर 3 विकेट हो चुके हैं। और इस प्रकार भारत के 46 रन के स्कोर से आगे न्यूजीलैंड ने 134 रन ज़्यादा बना दिए हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के 134 रनों की बढ़त मिल चुकी है। अब कल यानी कि तीसरे दिन का खेल शुरू होगा जो कि सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। आपके अनुसार दोस्तों ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।